व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ हेड शेप के बारे में। अब इसके ऊपर ना भाई आपने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो आपसे बोल रहे होंगे कि भैया आप हेड शेप करा लीजिए, आपके बाल रीग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज ना मैं आपको एक्चुअल में बताने वाला हूँ कि भाई हेड शेप कराने से होता क्या है। सब लोग ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि भाई मैंने हेड शेप करा लिया और देखो मेरे बाल रीग्रो हो गए हैं, मेरी रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आप लोगों ने ना ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे, पर मैं इस वीडियो को ना भाई बहुत सिंपल रखने वाला हूँ, तो आप बस वीडियो को पूरा देखना, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। पहला जो फायदा है भाई हेड शेप कराने का, वो है भाई कि आपका जो हेयरफॉल है ना वो काफी हद तक रुक जाएगा। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने बालों में यूं हाथ डालते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं और जब आप अपने हाथ को बाहर निकाल रहे हैं तो भाई उसके ऊपर 4-5 बाल आ गए हैं, तो भाई अगर इस लेवल का आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ना आप लोग अपने बालों को ना शेप करा दो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना भाई, हेयर फॉल ज्यादा तभी होता है जब आपकी बालों की लेंथ ज्यादा होती है, और अगर आप अपनी गंजी करा देंगे, अपने बालों को शेप करा देंगे तो भाई लेंथ इतनी सी बचेगी, तो जब बाल इतना सा होगा तो भाई हेयर फॉल कहां से होगा। और अपने बालों की लेंथ भी अगर ज्यादा होती है ना तो भाई अपना मन नहीं मानता है, अपन दिन भर सेट करते रहते हैं, उनके अंदर हाथ डालते रहते हैं, कहीं कॉम से ये हेयर स्टाइल करनी, कहीं वो करनी, तो भाई इन सबसे ना हेयरफॉल बढ़ता है। अगर आपका हेयरफॉल हो रहा है तो, अगर आपको हेयरफॉल की प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाल नहीं झड़ते हैं, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप लोगों को हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके बालों की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए भाई अगर आप हेड शेप करा लेंगे तो आप अपने बालों को भी सेट नहीं करेंगे, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो आपकी जो हेयरफॉल है वो काफी हद तक रुक जाएगा। और अगर आप लोग सोचते होगे ना कि भाई मैंने गंजी करा दी, अपने बालों की कुर्बानी दे दी है, तो भाई मेरे बाल रीग्रो हो जाएंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर किसी के पीछे साइंस है। दूसरा जो फायदा है भाई हेड शेप कराने का, वो है भाई कि अगर आपके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वहां पर इन्फेक्शन हो रही है, तो उसमें ना बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि भाई लोग जब हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है ना, तब हमें समझ नहीं आता है कि भाई बालों में क्या चीज लगाएं, क्या चीज ना लगाएं, तो हम क्या करते हैं ना वीडियोस देखते हैं, जो भी वीडियोस देखी हमें पसंद आई, उन्होंने जो भी कुछ बताया और अपने बालों में अप्लाई कर लिया। अब हमें नहीं पता होता है कि भाई इसको लगाने से हमें रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, और क्या पता रिएक्शन हो रहा हो, तो भाई पता कैसे चलेगा इतने सारे बाल हैं कि कहां पर इन्फेक्शन हुआ है। इसीलिए अगर आप हेड शेप करा लेते हैं तो आपको इन्फेक्शन भी दिखाई देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि भाई आपको इन्फेक्शन होगा, क्योंकि भाई जब हेयर फॉल होता है ना तो भाई ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, और अगर आपका इन्फेक्शन बढ़ जाता है ना तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके बाल ना भाई बहुत तेजी से झड़ रहे हैं ना, तो भाई आपके लिए यही अच्छा होगा, आप उन्हें शेप करा दीजिए, इससे आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो भी रुक जाएगा, और दूसरा भाई आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही होगी ना वो भी नहीं बढ़ेगी। तीसरा जो फायदा है भाई गंजी कराने का, वो है भाई कि आपकी जो स्केल है ना वो क्लियर दिखेगी कि किस जगह पर आपके बाल ज्यादा है, कहां पर आपके बाल कम है, किस जगह पर आपका बाल घना हो रहा है, ये सभी चीजें ना आपको एकदम से क्लियर दिखाई देंगे। और अगर आप लोग ना भाई हेड मसाज भी करते हैं ना, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप जब भी अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे ना, तो आपकी स्केल के अंदर अच्छी तरह से ऑयल जाएगा। और अगर आप लोग डर्मा रोलर का भी यूज करते हैं ना, तो भाई उसमें भी बहुत फायदा होगा, आपको अच्छी तरह से दिखेगा भाई कि किस जगह पर आपको रोलर करना है, क्योंकि बालों की वजह से प्रॉब्लम सी होती है ना, तो ये भी आपको बहुत बड़ा फायदा है। तो ये थी मेरी प्रॉपर वीडियो भाई हेड शेप के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो भाई लाइक जरूर करना और नीचे कॉमेंट करके बताना कि भाई आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और इस सीरीज के ऊपर ना मैं भाई और भी बहुत से वीडियोस लाने वाला हूँ, हेयर फॉल के ऊपर, फेयर स्किन के ऊपर, भाई मास्टरबेशन के ऊपर, इनके ऊपर अब वीडियोस आते रहेंगे। तो इस चैनल को ना भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।